नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन कुछ खास खबरों के साथ। चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर 13,000 फीट ऊंचाई पर 218 करोड़ लागत लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाएगा भारत। चंडीगढ़ में 1500 सरकारी भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल, CRESTE ने जारी किया 20 करोड़ का बजट, दिसंबर तक 75 मेगावाट बिजली उत्पादन टारगेट। समुद्रयान मत्स्य 6000 फीट की टेस्टिंग अगले साल, 6000 मीटर की गहराई में खनिजों का पता लगाएगा, भारत मानव सबमर्सिबल बनाने वाला छठवां देश। पलवल में 2 हत्यारोपी गिरफ्तार, 4 को पहले गिरफ्तार कर चुकी पुलिस, ढूंढसा में ओमकार की पीट पीट कर की थी हत्या। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से नवजात बच्चा हुआ चोरी, परिजनों ने किया हंगामा, बुलाई पुलिस। राजभर के बयान एनडीए की मुसीबत, बेटे अरुण भी पीछे नहीं, हार के बाद भी मंत्री बनने का दावा लेकिन बीजेपी नेता भी कर रहे किनारा। पलवल में हवलदार को ब्लैकमेल कर ठगे 5 लाख, महिला ने इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, मेल जोल बढ़ाकर झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की फर्जी दान की रसीद, गुरु जम्बेश्वर लंगर समिति ने 50 रुपए की बिना नाम की पर्ची दी, मनोहर लाल लिख वायरल हुई। प्रयागराज में पिता पंचर बनाते हैं, बेटा जज बन गया, अनपढ़ माँ ने घर परिवार फिल्म देखी तो सिलाई करके पढ़ाया, बेटे को पहले प्रयास में मिली सफलता। 24 घंटे में 398% ज्यादा बारिश, 19 की मौत, आज 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना, 5 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।